बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने अमित शाह के इंटरव्यू का एक वीडियो जारी किया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों परिवारवादी पार्टियों पर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोकने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन आज 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो गृह मंत्री का ये वीडियो बीजेपी ने रिलीज किया है जिस पर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है अमित शाह। एक बात हमेशा कही जाती थी कि धारा 370 समाप्त होते ही जम्मू कश्मीर की संस्कृति, भाषा, एक वजूद खत्म हो जाएगा। 5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज फिर कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बढ़ा है, कश्मीरी खान पान का भी महत्व बढ़ा है और कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट आज यात्रियों से भरे हुए हैं। तो एक जो हुआ फैला आ गया था धारा 370 जाने से, हजारों लोग कश्मीर में आ जाएंगे, कश्मीरियत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। और मैं कश्मीर की जनता को फिर से कहना चाहता हूं कि इस देश में ढेर सारे राज्य हैं। गुजरात में आज भी गुजरातियों का अपना एक कल्चर है, बंगाल में आज भी बंगालियों का अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र में आज भी मराठियों का एक अपना कल्चर है, कहीं पर धारा 370 नहीं है। ये देश ही इतने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि हजारों प्रकार की संस्कृतियां, हजारों प्रकार की बोलियां, सैकड़ों संस्कृतियां एक साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए भारत का कल्चर बनाए हुए हैं। और मुझे आनंद है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता इस चीज को महसूस कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की आड़ में अलगाववादी विचार को एक विचारधारा बनाकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर घसीट दिया गया, जिसका पाकिस्तान ने दुरुपयोग किया और जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा युवा विगत 4 दशक में मारे गए। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं 0 हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देख कर गए हैं। तो बहुत समय के बाद, लगभग 35 साल के बाद, जम्मू कश्मीर की जनता आज शांति का माहौल का अनुभव कर रही है, विकास इनके घर तक पहुंचा है और आतंकवाद से आगे निकलकर हर घर तिरंगा हो या Formula 4 कार रेसिंग हो या लाल चौक पर तिरंगा फहराना हो, अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख लोग का यात्रियों का आना हो और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 1 साल में 2.10 करोड़ यात्री आना हो, ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में नए बदलाव की शुरुआत है।